In this section, we are going to talk about what is meant by the theory of portfolio choice. So, when we talk about the financial investments, it is always better not to put all the eggs in one basket. So, there is this very famous saying which we have been studying since we have started studying finance. So, the smart financial experts always advise you to come up with a portfolio of investments और जब हम portfolio बनाते हैं portfolio होता क्या है portfolio is a kind of a like an account जिसमें आप मुख्तलिफ तरह के financial instruments को pool करके अपने लिए plan करते हैं हो सकता है उनके आपने डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं हो सकता है आपने डिफरेंट मेचॉरिटी टाइम पीरियड के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं कोई शॉर्ट टर्म है कोई लॉन्ग टर्म है, है इस तरह से करके आपने एक पोर्टफोलियो बनाया होता है तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मेन बाय द थेरी ऑफ पोर्टफोलियो चॉइस यानी कि जब हम पोर्टफोलियो को बनाते हैं तो उसमें जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज को आपने इंक्लूड करना है वो चॉइस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सो थेरी ऑफ पोर्टफोलियो चॉइस कह रही है कि वे देर आर फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अस इन सॉर्टिंग आउट इन फाइनलाइजिंग विच फाइनेंशियल एसेट्स यू शुड इन्वेस्ट इन इन ऑर्डर टू कम अप विद अ पोर्टफोलियो ठीक है कोई भी पोर्टफोलियो के चॉइस करने के लिए कि कौन सी इसमें मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को शामिल करना है उसमें चार की फैक्टर्स कंसिडर होते हैं सबसे पहली बात कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो पॉजिटिवली लिंक्ड है वेल्थ के साथ तो वेल्थ इंक्रीज करेगा तो आप मुख्तलिफ तरह के ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स को डिमांड करेंगे नेक्स्ट आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ एसेट है पोर्टफोलियो थेरी कह रही है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपेक्टेड रिटर्न तो जो फाइनेंशियल एसेट्स आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफर कर रहे हैं आप उनको ज़्यादा लेना पसंद करते हैं और तीसरी अहम बात यह है कि हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट वो डिपेंड करता है कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट के साथ जो रिस्क या अनसर्टेनिटी अटैच्ड है वो कितनी है और यहाँ मैंने जानबूझ के जो टेक्स्ट है उसको रेड किया है आपको बताने के लिए कि जो रिस्क है दैट इन्फ्लुएंस द क्वान्टिटी डिमांड ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट नेगेटिवली का मतलब है जिस फाइनेंशियल एसेट के लिए आपकी रिस्क या अनसर्टेनिटी हाई लेवल की होगी उतना ही उसको कम लोग लेना पसंद करते हैं और चौथी और आखिरी फैक्टर आखिरी फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है या हम उसको फैक्टर लेते हैं जो कि क्वान्टिटी डिमांडेड को एक्सप्लेन कर रहा है और उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है दैट इज इट्स लिक्विडिटी एज कंपेयर टू द ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट्स जो आपके पास उस फाइनेंशियल एसेट्स के अलावा फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी लिक्विडिटी इसकी लिक्विडिटी के साथ आप कंपेयर करते हैं तो जितना रेडीली कन्वर्टेबल इन टू कैश है फाइनेंशियल एसेट Usko, uski quantity demanded zyada hogi. Toh, when we talk about the theory of portfolio choice, it tells us that the quantity demanded of a financial asset depends upon four factors which are wealth, the expected return, the risk associated and the liquidity of that particular financial asset relative to the liquidity of the other alternative financial assets.